मेघालय में आते हो, डबल डेकल लिविंग ब्रिज बेस्ट है। ये हम चल रहे हैं ऑन मिनी वर्जन ऑफ रूट ब्रिज। सुबह से ट्रैक चालू किया, एक बर्ड नहीं यहाँ पे। ये है रूट्स, देखिए यहाँ से आके यहाँ पे ज्वाइंट हो गए एंड देन ये वापस ब्रिज को कनेक्ट हो रहे हैं। अल्टीमेट इंजीनियरिंग है यार। वापस आते वक्त बहुत हालत खराब होती है। माऊ माऊ येतेस? अरे अरे अरे, किड्याला पकडा लागलीस। ये हां काय करतेस माऊ तू? काय माझ्याकडनं मांजरी येत आहेत कालपासून, अंग घासत आहेत। हां अरे उडी 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 मारणार त्याला। माऊ मेघालय की बिल्लिया प्यारी एकदम, हाथ डाल के लेती है, भागती नहीं। ओके चलो बाय। अभी कहाँ से जाना है? यहाँ से तो कुछ नहीं है, यहीं से जाना है। देखते हैं अभी कहाँ कहाँ के, बिकॉज ये गांव के अंदर के रास्ते तो एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है रेलवे पटरी। ये देखिए एक पटरी नीचे गई, एक पटरी ऊपर से आई, ये एक ऊपर से आई, ये यहाँ से लेके जा रही है। सो यहाँ पे कुछ ब्रिज आ गया है। तो सेम रूल अप्लाइज हियर, ज़्यादा करके पब्लिक को एक साथ ट्रैवल नहीं करना है। यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है। तो ये रास्ता नीचे जाता है फॉर स्विमिंग पूल, वहाँ पे पानी है नीचे, पब्लिक दिख रहा है। सो आपको नहाना भी ना है तो यहाँ पे आप जा सकते हो, ये ऑन द वे फ्री है। देखिए यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। ये देखिए ये है वो स्विमिंग पूल, पब्लिक यहाँ पे मस्त नहा रहा है। कितना साफ पानी है देख लीजिए। शिट मैन, सेम दौकी रिवर है वैसा नज़र आया। ये अल्टीमेट है। सूट चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ से, ये लोकल वाले दे देंगे आपको 100-200 रुपए में। बाकी आप यहाँ पे नहा सकते हो। ये देखो भाई ये है वाटरफॉल, क्या आवाज़ आ रहा है। और वो भाई मस्त मज़े ले रहे नीचे पानी में। वो देखिए गजब फीलिंग है यार। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, सिक्किम और मेघालय। ज़रा सा भी कचरा आपको बाहर नहीं मिलेगा, देख लीजिए। ज़रा सा भी लिटरिंग बाहर की तरफ नहीं है। हर कोई टूरिस्ट या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यहाँ पे कचरा डालता है। दैट्स द स्पिरिट ऑफ इंडिया। खास ये चीज़ हर जगह पे फॉलो की जाए। अगर अभी चढ़ाई चालू हो गई है, उस माउंटेन से इस माउंटेन तक लेके आया हुआ है वो ब्रिज, अभी चढ़ना है। चढ़ाई ऐसी है और वो तो चढ़ाई हालत ख़राब होने वाली है। टाइम चेक 10:20, आधा घंटा हो गया अपना।
छोटा सा लिविंग रोड बीच आ गया है, ये देख लिए। ये तो ट्रेंड ही हो गया ऐसे लगता है। ये पेड़ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके रूट्स भी ज्वाइन किए हुए, एंड वो बनियान का इतना बड़ा ट्री है एंड उसके भी रूट्स ज्वाइन कर लिए। सो ये हम चल रहे हैं ऑन मिनी वर्जन ऑफ रूट ब्रिज। ओ भाई ये भी हिल रहा है यार, इसके ऊपर पत्थर भीतर है फिर भी हिल रहा है। जब मानसून में पानी बहता रहेगा यहाँ से नीचे की तरफ मज़ा आता रहेगा, क्या व्यू रहेगा। और जब पानी का फ्लो ज़्यादा रहता रहेगा आई थिंक इसके ऊपर भी आता रहेगा। ये फीलिंग ही कुछ अलग है यार, नेचुरल ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करना। यहाँ पे है और एक स्विमिंग पूल लगून 30 मिनट्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है फॉर डबल डेकर ब्रिज। देखते हैं कितना है, एडल्ट 50, चिल्ड्रन 20 एंड कैमरा 50। ये है टिकट चार्जेस फॉर विजिटिंग डबल डेकर रोड ब्रिज। टाइम चेक देख लीजिए, 10:36 ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में जिस चीज़ के लिए इतना ट्राई किया फाइनली आ गया मेरे आँखों के सामने। लेट मी शो यू। एक चीज़ है, ऊपर की तरफ से इतना ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है बिकॉज आपको लग रहा है कि वन वे ब्रिज है, बट आप नीचे उतरोगे स्टेयर से और वहाँ से देखोगे तो आपको रियल ब्रिज पता चलेगा। सो वहाँ से भी आपको दिखाएंगे ब्रिज। इस ब्रिज के ऊपर भी सेम वैसे ही फली डाली हुई है, देख लीजिए। पब्लिक ये फोटो खींचा रहे उधर से, यहाँ पे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर रखा है। पानी का लगून यहाँ पे आप नहा सकते हो एंड ये है डबल डेकर ब्रिज। ओके यहाँ पे ये पानी का लगून है तो यहाँ पे नहा सकते हो, बट इतना साफ नहीं है, बट यहाँ पे फिश है ये देख लीजिए। तो ये था डबल डेकर ब्रिज के ऊपर वाला फ्लोर, अभी है नीचे वाला फ्लोर। तो अभी जाते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। क्या बात है, एंड ये है डबल डेकर वाला ऊपर वाला ब्रिज। गजब बॉस, किसे उसके रूट्स देख लीजिए आप, एकदम क्रेजी है। ये फिश देख लीजिए आप, कि फिश की साइज आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। कितने सारे फिश है यार। मैडम खिला रही है फिश को खाना। बैक साइड वाला लगून,
छोटा सा ही है, ज़्यादा डीप नहीं। यहाँ पे भी फिश है यार, वो देख लीजिए, यहाँ पे भी छोटी छोटी सी फिश है और पानी आ रहा है ऊपर से पहाड़ों में से। एंड ये व्यू सामने से, क्या गजब दिख रहा है यार। सो टाइम चेक, 11:12। सो ऑलमोस्ट आधा घंटा यहाँ पे बिताया, और भी बिताने का टाइम है बट आगे की स्पॉट भी कवर करने हैं हमको, बट ये जगह वर्थ है बॉस। मेघालय में आते हो, डबल डेकर ब्रिज, सिंगल डेकर ब्रिज से अच्छा डबल डेकर लिविंग ब्रिज बेस्ट है। क्या एक्सपीरियंस है यार, गजब है। सो ये है बनियन ट्री, एक ही ट्री है देखो, उसी के यहाँ पे देख लीजिए कैसे यहाँ तक लेके गए गए हैं। आई थिंक उसी को बाद में फिर नीचे कन्वर्ट किया है, ये देख लीजिए। एंड उसके थ्रू भी नीचे नीचे से आ रहे हैं और उसने उतनी ग्रिप मिल रही है, क्रेजी आ रही है। उसके बाद सोने पे सुहागा, ये फिश मस्त दिखते हैं यार, क्या क्रेजी एक्सपीरियंस था ये फिश भी, ये देख लीजिए। तो ये है ब्रिज के नीचे वाला एरिया, चलो आपको नीचे वाले एरिया में लेके जाता हूँ, ये देख लीजिए। ये मेन बीम आप बोल सकते हो, कितना झाड़ा है देख लीजिए, उसी को कंटिन्यूटी किया हुआ है एज अ ब्रिज, गजब है यार। ये है रूट्स, देखिए यहाँ से आके यहाँ पे जॉइंट हो गए एंड देन ये वापस ब्रिज को कनेक्ट हो रहे हैं। अल्टीमेट इंजीनियरिंग है यार, उस वक्त इतना सब दिमाग लगाया, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, पूरा दिमाग ही रेनबो जाए, क्रेजी बॉस। सो टाइम चेक, 11:16 हो गए हैं। अभी कैलकुलेट करते हैं यहाँ से डायरेक्टली मेन जहाँ पे बाइक पार्क की है, पार्किंग एरिया, कितना टाइम लगता है। कैमरा का लेंस अगर थोड़ा फॉग ऑफ हो रहा है तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आप लोगों के लिए अंडर वाटर शॉट लिया था फिश का, अच्छा लगा कि नहीं, उसके लिए तो लाइक बटन दबाई है। बस आपका अकेला भाई वहाँ पे अंडर वाटर फ़ोन डाल के शूट कर रहा था, सिर्फ आप लोगों के लिए, बाकी सब पब्लिक देख रहे यार, देख रहे, बिकॉज दे वो लोग नहीं कर पा रहे थे, IP68 रेटिंग वाला फ़ोन नहीं था उनका। सो इतना मेहनत कर आपका भाई आपके लिए, तो एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर बनता है। एंड टॉकिंग अबाउट द डबल डेकल ब्रिज, वह थे बॉस, मेरी तरफ से 101% वह थे, ज़रूर आना। ट्रैकिंग का टाइमिंग मैंने एक्सप्लेन किया, चार्जेस कहाँ पे, यहाँ पे 50 रुपीज़, सिंगल डेकर के लिए 30 रुपीज़, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर इन दिस वीडियो। तो लगून के विजिट के लिए यहाँ से रास्ता है, यहाँ में आ सकते हो। लेडीज़ के लिए वहाँ पे देखिए चेंजिंग रूम भी है, आप चेंजिंग रूम में क्लोथ चेंज कर सकते हो एंड देन एंजॉय ले सकते हो ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल क्लियर वाटर जो आ रहा है यहाँ से। लेट मी शो यू, अल्टीमेट है बॉस, अल्टीमेट नज़ारा है। आई एम गोना मिस दिस ब्यूटी ऑफ मेघालय यार। और मेजरली ये ब्रिज को मिस करूँगा मैं, क्या ब्रिज यार, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट देख ही लीजिए कितना दूर तक है, हैंगिंग ब्रिज कितना दूर तक है देख लीजिए। लेट मी शो यू, ये देख लीजिए कितना जूम है, ये देख लीजिए 20x जूम पे हूँ मैं और अभी भी कवर नहीं हो रहा है, कैसे बनाया रहेगा यार, अल्टीमेट। और ये ब्रिज क्लोज भी होता है, ये देख लीजिए यहाँ पे गेट है, बिकॉज संडे को दोनों भी ब्रिज बंद रहते हैं, तो डबल डेकर ब्रिज और सिंगल डेकर ब्रिज आप यहाँ पे नहीं आ सकते, ध्यान में रखिए। टाइम चेक, 12:37, हाफ वे रूट कवर किया है, अभी भी डेंजरस टर्न है, ये देख लीजिए एकदम ऐसे ऐसे। बाय द वे कैमरा ऑन किया एक चीज़ दिखाने के लिए, यहाँ पे कम्प्लीटली ना रास्ते पे तमाल पत्र गिरे, जो मसालेदार राइस जो बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं वो है, आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए ये पत्ता उस चीज़ का है, इसको अगर ऐसे क्रश करोगे ना और उसका स्मेल लोगे ना
मस्त स्मेल आता है। और भी यहाँ पे ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये है एंड ये है। सो इसका पेड़ यहीं पे कहीं पे तो होगा, तो उसके जो पत्ते हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। क्रेजी बॉस, ये चीज़ हम लोग मार्केट में परचेस करके खाते हैं और वो चीज़ ऐसे यहाँ पे पेड़ों को लग के नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई है, क्या बोलने का। और बीच बीच में काली मिरी के पेड़ भी दिखे हमको, सो दैट मीन ये बहुत सारे जो जंगल है ना, मोस्ट ऑफ इसके अंदर पूरा मसाला सब उसी के पेड़ से है। और एक चीज़ दिखी यहाँ पे, ऑब्जर्व की यहाँ पे चिकन कुछ दिखती नहीं, यहाँ पे कुत्ते भी नहीं दिखते विलेज में, सिर्फ बिल्लियाँ दिखी हमको, जो चीज़ ऑब्जर्व की हमको आपको बता दी। और सो बर्ड भी नहीं मुझको दिखे, सुबह से ट्रैक चालू किया, एक बर्ड नहीं यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये कम्प्लीटली वही है, बे लीफ बोलते हैं उसको, वही चीज़ है, देख लीजिए रास्ते के बाजू में पड़े हुए सब। और ये है ब्लैक पेपर का पेड़, देखिए ये देखिए यहाँ पे लगे हुआ है, ये देख लीजिए, ये कम्प्लीटली ब्लैक पेपर का पेड़ है। ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रूट है उसके आजू बाजू में जो लग के वही चीज़ देख रहे हैं, अंदर जंगल में जाओगे तो क्या क्या चीज़ देखने मिलेगी पता नहीं बॉस। ये पेड़ आप देखोगे ना, ये जैक फ्रूट का पेड़ है, कम्प्लीटली अलग है, हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं रहते। ये देख लीजिए, देखिए ये कम्प्लीटली कवर है एंड देन उसके बाद ये चीज़ बाहर आ जाएगी, क्रेजी बॉस। वही देखिए ऐसे ऊपर की तरफ है, ये बाहर आया हुआ है, देखिए उसके अंदर से, ये भी देख लीजिए। सो ये है जैक फ्रूट का पेड़, चेक 1:23 कुछ 11:03 भूल गया, इतने बजे चालू किया था, फाइनली आ गया। ये जगह जहाँ पे मैगी खाई थी और वो पार्किंग वाला एरिया, कितना टाइम लगा पता नहीं, 2 घंटे के ऊपर ही रहेगा, और हालत ख़राब होती है उतरने में, इजी है वापस आते वक्त बहुत हालत ख़राब होती है, पूरे आपके नीस पेन होते हैं, थोड़ा रुक रुक के आप ट्रैक करोगे वो बेटर रहेगा। अभी उस बंदे के 70 रुपीज़ देने, हेलमेट क्रेडिट करना है बिकॉज अपना हेलमेट घर भी रखा है उसके पास, तो लेट्स टू गो एंड कलेक्ट द हेलमेट। तो यहाँ पे गाड़ियाँ देख लो, ये भी दुकान आ गया, बाइक्स गाड़ियाँ बढ़ गई यहाँ पे, सुबह तो इतनी गाड़ियाँ थी नहीं, वो देखो वहाँ तक गाड़ियाँ है, क्या बात है, तो टूरिस्ट है ज़्यादा यहाँ पे। अभी ये क्या पार्किंग फाड़ेगा, तो यहाँ पे बाइक पार्किंग चार्जेस भी है, बाइक पार्किंग के 40 रुपीज़ लिए हमको।